हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उद्योग विभाग बिहार सरकार के बारे में, जिसने आपका जो फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया। यह जो लिस्ट है वो आपको पता ही होगा कि यह किस चीज़ का लिस्ट है। यह लिस्ट उन लोगों का है जिन्होंने बिहार में उद्योग लगाने के लिए कुछ महीने पहले लोन के लिए अप्लाई किया था, उसका यह लिस्ट है, जिसमें जो सनातनी है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया था। और यह लिस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दिया गया है, जैसे आपका लिस्ट है SC ST का, EBC का, महिलाओं का और युवा का। महिलाओं में आपका OBC और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसी तरह युवा में आपका भी OBC और जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का लिस्ट आया। अब बात यह करते हैं कि इस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उद्योग विभाग बिहार सरकार के साइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महिला का जो लिस्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग युवा का जो लिस्ट है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सीरियलिस्ट वाइज आपका पहला सीरियल नंबर, सेकंड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, थर्ड आपका सबमिशन ऑफ डेट, डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट एंड प्रोजेक्ट नेम दिया गया है। तो आप इसे ईजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने नाम को? तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया, और जो भी डिस्ट्रिक्ट अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिया गया, यानी जो डिस्ट्रिक्ट ए से है वो पहला है, जो बी से है वो सेकंड फॉर्म में दिया गया है, यानी सेकंड टाइम दिया गया है। उसी तरह अगर जो पटना से बिलोंग करते हैं, पटना से आपने अप्लाई किया है, तो अल्फाबेटिकल आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसी तरह महिला का लिस्ट की बात करें, इसमें वुमेन जो OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए लिस्ट दिया गया है, और यह भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अल्फाबेटिकल तैयार किया गया है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट ए से आता है उनको पहले दिया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट लास्ट में आता है उनको लास्ट में दिया गया। तो आप यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ देख लीजिए, जैसे अररिया पहला नाम है, ए से अल्फाबेटिकल है, तो अररिया के बारे में दिया गया है लिस्ट जो है। उसके बाद आपका औरंगाबाद का है, अररिया औरंगाबाद। उसके बाद जो भी आपका ए से होगा या ए का ख़त्म हो जाएगा तो बी से होगा, तो आपका लिस्ट दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यह बात करते हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे, और जिनका लिस्ट में नाम आ गया है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। तो जिनका नाम नहीं आया है, तो इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है क्योंकि जब भी उन्होंने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो उस फॉर्म में उन्होंने डिटेल्स वगैरह जो होगा उन्होंने कुछ गलत भरा होगा, ठीक है, या उन्होंने कुछ नहीं भी भरा होगा, या मिस्टेक हो गया होगा, उसके कारण उनका फॉर्म क्या हो गया है, रिजेक्ट कर दिया गया होगा, ठीक है, इसलिए उनका यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है तो उनको क्या करना है। तो उनको अब तैयारी करना है कि जो भी आगे का जो प्रोसेस होने वाला है उनके लिए, जिनका लिस्ट में नाम आया उनको तैयारी करना चाहिए। तो करना क्या है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब मुझे जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी जब भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, उस समय जो भी मैंने डॉक्यूमेंट दिया है उसको ओरिजिनली फिजिकली फॉर्म में मुझे वेरिफिकेशन कराना होगा, जब भी मुझे मेल पे या मोबाइल नंबर पे जो भी मैंने रजिस्टर किया था यहाँ पर उस पर मैसेज या मेल आता है, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरा कंपनी हो, ठीक है, या मैंने स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर कराया हो, या मैं MCA के साइट पे यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे यानी पब्लिक प्राइवेट OPC LLP या पार्टनरशिप जो भी फॉर्म है मेरा यानी बिजनेस है, ठीक है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमको वेरिफिकेशन करवाना होगा रिलेटेड उद्योग विभाग के द्वारा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपका अगर डॉक्यूमेंट सारा चीज़ सही है तो ठीक है, नहीं है तो आपको वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। फिर जो बच गए लोग
उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जिस उद्योग को आप लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है बहुत ही ज़्यादा, यानी 16,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। उन 16,000 लोगों को एक बार में ट्रेनिंग देना असंभव है, तो उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं DPR का, यानी डिटेल इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। तो आपने बना लिया है तो कोई बात नहीं है, जब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उस समय भी आप DPR बना सकते हैं, या जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा वही आपको DPR बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो जब आप DPR बना लेंगे तो उसको विभाग में भेज दिया जाएगा, फिर विभाग के द्वारा DPR को वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 5 लाख का, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर जो 5 लाख को मिलेगा तो आप फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट अपने बिजनेस यानी अपने उद्योग के लिए कर सकते हैं। फिर कुछ महीने बाद फिर से आपको वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया है उसका सही इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। अगर आपने सही इस्तेमाल किया है तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको दे दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप लोग मशीन्स वगैरह जो भी लाएँ और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।